दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में हालात सोमवार को उस वक्त बिगड़ गए जब ड्रग ओवरडोज से छात्र की मौत के मामले में गुस्साए लोगों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 नाइजीरियाई छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। छात्रों पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भीड़ नाइजीरियाई लोगों को बुरी तरह से पीट रही है। हॉकी डंडों से छात्रों की पिटाई की जा रही है। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रव पर उतारू लोगों को अलग थलग किया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 3 दिन पहले 10वीं का छात्र मनीष खारी अपने घर के पास बेसुध मिला था। कुछ घंटे के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मनीष ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके की एनएसजी सोसाइटी में रहता था। आरोप है कि सोसाइटी में ही रहने वाले कुछ नाइजीरियाई लड़कों ने उसे अगवा कर जबरन ड्रग्स दी थी जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप है कि नामजद 5 नाइजीरियाई लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया था। इससे गुस्साए परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को पुलिस थाने का घेराव किया था। शाम को परी चौक पर इंसाफ की मांग पर बड़ा कैंडल मार्च भी निकाला गया था और फिर इसके बाद बात बिगड़ गई। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर गुस्साई भीड़ ने कुछ कारों में तोड़ फोड़ के बाद एक नाइजीरियाई युवक पर हमला कर दिया जिसे बमुश्किल बचाया जा सका। वह इस मामले से अब एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन इंडिया में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अफ्रीकन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बयान जारी कर कहा है कि वो भारत में गंभीर होते नस्लवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। तो एक बार फिर भीड़ का बेखौफ इंसाफ देखने को मिला जहां महज शक के बिना पर उपद्रवियों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमला बोल दिया। ये घटना सवाल खड़े करती है कि क्या इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है? महज शक की बुनियाद पर किसी पर भी इस तरह का हमला कितना जायज है? क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखते रहिए डीबी लाइव।